सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए जदयू लाइव वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि जदयू का पहली बार live.com बना है, जिसके माध्यम से लोगों के साथ संवाद का काम शुरू हुआ है। वर्चुअल रैली के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 15 सालों में किए गए कार्यों को जनता के बीच में रखा। इसी क्रम में आज भागलपुर में भी जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न चौक चौराहों पर LED एवं TV के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवाद को दिखाया गया। भागलपुर के स्थानीय धर्मशाला में जदयू के तमाम अधिकारीगण मौजूद हुए और अपने नेता के संवाद को सुना और उसे जन जन तक पहुँचाने की व्यवस्था की। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा प्रवीण, नाथनगर विधायक लक्ष्मी कांत मंडल, जदयू के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष संजय शाह, प्रदेश युवा महासचिव सह प्रभारी ब्रज किशोर सिंह, प्रदेश युवा महासचिव समीम रिजवी के अलावा कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड के वर्चुअल संवाद चल रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब नीतीश कुमार जी संबोधित कर रहे हैं और इनके बातों को लोग अपने अपने जगहों पर रहकर सुनने का काम कर रहे हैं। भागलपुर में सुल्तानगंज से लेकर पीरपैंती तक सारे कार्यकर्ता अपने अपने स्तर से हर जगह पर माननीय नेता नीतीश कुमार जी के बातों को सुनने का काम कर रहे हैं। आप जैसा जानते हैं कि चुनाव का शंखनाद हो चुका है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुबह बिहार के मुखिया परम आदरणीय विकास पुरुष नीतीश कुमार ने आज वर्चुअल रैली के माध्यम से पूरे प्रदेश के आम आवाम को यह बताने का काम किया है कि 15 साल पूर्व की सरकार ने बिहार को किस तरह सींचा, किस तरह लूटा और कंगाली के कगार पर ला दिया और उस कंगाल बिहार को 15 साल के बाद परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों जो सत्ता आई तो बिहार को भयमुक्त बिहार बनाया। भागलपुर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रमंडलीय आयुक्त ने समाहरण नाले परिसर स्थित समीक्षा भवन में अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सामुदायिक रूप से जिले में जगदीशपुर पंचायत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग के दौरान WHO के अधिकारी सहित जिलाधिकारी, भागलपुर रेंज के DIG मौजूद रहे। सभी को समन्वय स्थापित कर सामुदायिक फैलाव रोकने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक भगत ने बताया कि कोरोना को हराने के लिए लोगों को जागरूक करना सबसे जरूरी कदम है। बिहार में जो असेसमेंट हो रहा है कोविड को लेकर के राइट फ्रॉम शुरू से अभी तक में क्या स्टेटस है उसके बारे में जानकारी ली जा रही थी। जहाँ जहाँ पर ज़्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं उनके बारे में देखी जा रही है। भागलपुर की स्थिति जो है अभी पूरे बिहार में कहा जाए तो चौथे पोजीशन पर है और यहाँ कुछ पंचायतों में जो 8 पंचायत जो बिहार में चिन्हित किए गए हैं उसमें एक भागलपुर भी है जिसमें जगदीशपुर है। चूँकि ये शहर से नज़दीक पड़ने की वजह से वहाँ पर के नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद हुआ कि दिशा निर्देश हुआ कि वो फिर वो उसके पंचायत वाइज देखेंगे, है ना, कि किस पंचायत में ज़्यादा है ताकि उसको और कंटेनमेंट किया जा सके, रोका जा सके। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि जितनी जांच होनी चाहिए उतनी जांच की जा रही है, साथ ही कंटेनमेंट जोन में संक्रमित लोगों को संपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना की जो स्थिति है उसको लेकर के आज विचार विमर्श किया गया और मैक्सिमम टेस्ट हम लोग करा रहे हैं। जितना संख्या की आवश्यकता है उतनी टेस्टिंग कराई जा रही है ताकि लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके, आइसोलेट किया जा सके और कंटेनमेंट जोन को इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है।
और कंटेनमेंट जोन में भी लोगों की पहचान की जा रही है कि कौन लोग इन्फेक्टेड हैं, वैसे सभी लोगों की पहचान करके उन्हें चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम लोग का परसेंटेज पहले से काफ़ी घटा है, जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफ़ी कम होकर के आया है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि कोरोना के संदर्भ में जो हम लोगों ने स्ट्रेटजी अपनाई है उसके माध्यम से काफ़ी जल्दी हम लोग इस पर नियंत्रण प्राप्त कर पाएंगे। डिफरेंट टीम बनाई गई है जो कि डिफरेंट कंटेनमेंट जोन का इंस्पेक्शन कर रही है, मास्क का प्रयोग लोग कर रहे हैं कि नहीं उसका इंस्पेक्शन कराया जा रहा है, दुकानों में जो है सामाजिक दूरी का अनुपालन हो रहा है कि नहीं उसका अनुपालन कराया जा रहा है। भागलपुर जिले में सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन जिला प्रखंड एवं ग्रामीण स्तर पर आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अर्चना कुमारी द्वारा ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना संकट को ध्यान में रखकर पोषण अभियान के संदेशों को जन जन पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने पोषक क्षेत्र के सभी श्रेणियों के लाभार्थियों, किशोरियों व 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जाएगा, साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आज हम लोगों का जो है मतलब ऐसे तो अभी जैसे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, तो राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जो है सो हम लोग का मतलब जिला स्तर, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, आंगनबाड़ी केंद्रों तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसके साप्ताहिक गतिविधि ये सब का और मासिक गतिविधि का कैलेंडर तैयार है। तो ये आप जैसा देख रहे हैं कि पोषण के संबंधी जानकारी के लिए इस स्टॉल का निर्माण किया गया है, जिसमें कि पोषण से संबंधित जानकारी जन जन तक पहुंच सके और बच्चों को जो है सो उचित पोषण मिल सके। और हम लोगों का जो यही प्रयास है कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अति कुपोषित बच्चे, इन लोगों के पोषण के जन जागरूकता प्रचार हर तरफ हो और बच्चों को, सभी बच्चों को उचित पोषण मिले। शिवसेना सांसद संजय रावत के बेतुका बयानों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भागलपुर के करनी सेना ने स्थानीय घंटाघर चौक पर संजय रावत का पुतला दहन किया। करनी सेना के भागलपुर जिला अध्यक्ष ने संजय रावत को धमकी देते हुए कहा कि संजय रावत में हिम्मत है तो वे कंगना को मुंबई आने से रोक कर दिखाए। नीच इंसान आज माँ बेटी का अपमान करते हैं, उस महिला को हरामखोर कहते हैं और उसे धमकी देते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में तुम्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। संजय राउत तुम्हारे बाप का नहीं है मुंबई, ये पूरा हिंदुस्तानी का मुंबई है। आज तुम महाराष्ट्र में हो, कल हम भी महाराष्ट्र में होंगे। आज हमारा पूरा करनी सेना का टीम महाराष्ट्र में 9 तारीख को पहुंच रहा है। अगर तुम्हारे बाप के दम में है हिम्मत तो तुम रोक के दिखाओ कंगना रनौत को। दूर दराज के छात्रों को परीक्षा केंद्र पर पहुंचाने में होने वाली परेशानियों को लेकर उनको मदद पहुंचाने के उद्देश्य से भागलपुर NSUI शिक्षित बिहार बढ़ता बिहार नाम से वेबसाइट लॉन्च करने वाली है। इसको लेकर NSUI के जिला अध्यक्ष आर्यन राज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस वेबसाइट पर छात्र अपना नाम, पता, मेल ID भरेंगे, जिसके बाद NSUI के कार्यकर्ता छात्र को संबंधित परीक्षा केंद्र तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। वेबसाइट NSUI लॉन्च किया है, जैसे कोई भी दूर दराज से भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे, पूरे बिहार या क्या पूरे देश में कहीं के भी वो स्टूडेंट हैं, अगर उनका सेंटर जहां पड़ा है उसके संबंधित जिला के वहां के पदाधिकारी NSUI के उनको मदद करेंगे और उनको सेंटर तक पहुंचाने के लिए वो तत्पर रहेंगे। चाहे वो भागलपुर के उनका सेंटर, अगर वो कोई विद्यार्थी अगर मुंगेर का है और भागलपुर में उनका सेंटर है तो भागलपुर को वो फॉर्म फिलअप करेंगे मुंगेर के लड़का, भागलपुर की NSUI पूरी टीम उसको मदद करेगी उसके सेंटर तक पहुंचाने के लिए। भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के द्वारा भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के 42, 26 एवं 50 वार्ड में शिलान्यास एवं उद्घाटन कार्यक्रम किया गया। विधायक द्वारा भागलपुर में वार्ड संख्या 50 अंतर्गत कमल नगर में बच्चन सिंह के घर से अरुण सिंह के घर तक सड़क एवं नाला निर्माण योजना का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन होने के कारण बहुत से विकास कार्य रुके हुए थे, जिन कार्यों को अब तेजी से करवाया जा रहा है। 5 साल के कार्यकाल में जनता को जहां भी जरूरत महसूस हुई उन्होंने उनका साथ दिया और उनके क्षेत्र में विकास का कार्य किया। शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम था। सबसे पहले मैं 42 वार्ड हरिजन टोला की बस्ती है जहां मैं काफ़ी सड़कों बनाया, वहां भी आज एक शिलान्यास किया मैंने। उसके बाद 26 वार्ड में वहाँ भी सड़क का एक शिलान्यास किया, सड़क नाले का।
फिर अभी मैं 50 नंबर वार्ड दक्षिणी क्षेत्र में, वहाँ भी एक सड़क नाले का शिलान्यास किया, ताकि कोरोना महामारी में कुछ कर नहीं सका था, इसलिए सोचा कि जल्दी जल्दी शुरुआत हो जाए। अभी मैं जा रहा हूँ 35 नंबर वार्ड में एक सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने, ताकि वहाँ शादी ब्याह में लोगों को, गरीबों को दिक्कत ना हो। मैं इसी तरह 151 वार्डों में आज 5 वर्षों जब से जनता ने मुझे विधायक चुना है, तो मैं सड़क नाला और जो भी उनकी ज़रूरत हुआ मैंने पूरा करने का काम किया, चाहे अपनी योजना से हो चाहे सरकार के माध्यम से हो। विपक्ष में रहते हुए भी मैंने काफ़ी आवाज़ उठा के काफ़ी विकास कराया है, लेकिन अभी भी शहर में मेरे मन मुताबिक विकास नहीं हुआ है। शिक्षा में सुधार संबंधित 25 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भागलपुर में मशाल जुलूस निकाला। यह जुलूस पटेल चौक से वीर भगत सिंह चौक तक गया। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जिला अध्यक्ष रविशेखर भारद्वाज ने कहा कि आगामी 13 तारीख को शिक्षा में सुधार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में यह रैली पटना में भी आयोजित होगी। शिक्षा में सुधार के लिए हम लोग का लगातार आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन के कड़ी में ये इस बार शिक्षा सुधार सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, जिसका आज पहला दिन है, यहाँ होगा, इसके बाद सभी प्रखंडों में होगा। 13 तारीख को पटना में उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न होगा और हम लोग शपथ लेते हैं कि शिक्षा में सुधार करेंगे। नवगछिया में रविवार को रंगरा थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव स्थित मकई के खेत में छापेमारी के दौरान अवैध देशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मेश्राम के निर्देश पर की गई छापेमारी में दल का नेतृत्व नवगछिया डीएसपी दिलीप कुमार कर रहे थे। छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में हजारों लीटर निर्मित एवं अर्धनिर्मित शराब के साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरण को बरामद किया गया है। वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की घेराबंदी देख शराब माफिया एवं शराब फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर भी नदी में कूदकर भाग निकले। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव में 20 वर्षीय विवाहित महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला की पहचान भतोड़िया के बुलील यादव की पत्नी संगीता देवी के रूप में हुई है। संगीता का कुछ वर्ष पूर्व भतोड़िया निवासी बुलील यादव से विवाह हुआ था। मृतिका के पिता ने बताया कि 2 लाख और कई जेवरात की मांग की थी, नहीं देने पर बेटी संगीता को रात 11 बजे गला दबाकर उसके पति ने हत्या कर दी। वहीं ससुराल के पक्ष के लोगों ने बताया कि टीवी बीमारी से उनकी मौत हुई है। हालांकि घर से ससुर और संगीता के पति घर छोड़कर फरार है। मौके पर सूचना मिलते ही मधुसूदनपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैसे क्या हुआ? 2 लाख रुपया दीजिए और एक भर सोना तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। कैसे क्या हुआ था? मारपीट हुआ है रास्ते में, खून ब्लड गिरा है यहाँ। जगदीशपुर थाना अंतर्गत पुरैनी चानन नदी में पशु चरा रहे एक 60 वर्षीय व्यक्ति मोहम्मद सोहेल की डूबने से मौत हो गई। पुलिस और ग्रामीणों द्वारा खोजबीन करने के बाद मृत व्यक्ति का शव जब नहीं मिला, तब जाकर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एसडीआरएफ टीम ने भी काफी मशक्कत की, लेकिन लाश बरामद नहीं हो पाई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह अपने भैंस को नदी में नहलाने के लिए गए थे, लेकिन पैर फिसल जाने के कारण गहरे पानी में डूब गए।